मेरी जिंदगी का बहुत ही एक सिंपल सा असूल है, मैंने कभी किसी को फ्रेंड से जाके तंग नहीं किया, ना कभी किसी के बारे में बकवास की और ना मैं अपने बारे में सुनता हूँ। लेकिन जब कोई बिला वजह नेगेटिविटी सारी मेरे ऊपर डालता रहता ना, तो एटलीस्ट उसको क्लियर तो करना बनता है। और तो मैंने क्या ही जवाब देना, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन यह है कि क्लियर करना बनता है ताकि लोग आपके बारे में गलत गलत अजम्पशंस ना लगाते रहें। सबसे पहले ये वीडियो देखें। तो मेरी गाड़ी पे हमला कर दिया है, मुझे नहीं पता ये रजब भट्ट के फैंस ने किया या। अब ये वीडियो देखें। मेरी e-tron GT पे अब किसी ने LP फेंक दी है। अब ये वीडियो देखें, ठीक है। अब दो वीडियोस में ये कह रहा है, दो नहीं इसने 10 वीडियोस मेरे खिलाफ लगा दी हैं, जिसमें इसने खुद ही स्टार्ट किया। इसने मेरे खिलाफ दो वीडियोस पहले लगाई, मैंने इसको कॉल की। मैं आपको ना लास्ट वाली वीडियो का मफहूम पहले बता रहा हूँ कि मैं इसको मिला क्यों। हाँ, जो बैक आ रही है वो बिल्कुल अनस अली की ही है। फ्रंट पर मैं बैठा हूँ, रेड कलर की वेस्ट मैंने पहनी हुई है। बस किसी तरीके से वो वीडियो लीक हो गई। मैं उसके बारे में डिस्कस अब नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो मामला वाइंड अप हो चुका होगा, ठीक है। वो वीडियो लीक हो गई, ये मेरे खिलाफ दो वीडियोस डाल चुका था कि आप रजय फैमिली के व्लॉग्स क्यों देखते हैं, आप शॉपिफाई या स्पॉटिफाई मुझे नहीं पता, शॉपिफाई का कोर्स लें, आप अपने पैसे ज़ाया करें, फलाना ढिमकाना, ठीक है। मैंने इसे कॉल की, किसी से मैंने इसका नंबर मांगा, मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा यार आप आ जाओ मुझसे मिल लो, पिला बचा नेगेटिविटी ना फैलाओ। अगर आपको शाउट आउट चाहिए, आपको थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए, मैं पैसे कर दूंगा। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं रोज नया 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 दुश्मन बनाऊं, ठीक है। मैंने इसको बुलाया, अब ना चाहते हुए भी वहां पर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर बैठा कि यार कोई देखे ना, वहां से वो वीडियो लीक हो गई। तब तक ये मेरे खिलाफ दो वीडियोस बना चुका हुआ था, मैंने इसको समझाया, ये नहीं समझा, इसने जाके फिर अपना काम तेज कर दिया और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। कभी ये कहता है पहली वीडियो में कि जी मेरी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया, कभी ये कहता है रजब फैमिली ने, फिर कहता है मेरी गाड़ी पे आके एल्फी गिरा दी। मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई आतंकवादी भर्ती नहीं किए हुए, ठीक है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ मुझे डिफेंड करते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अगर वो गलत हो तो कहते हैं यार आप गलत हो, रजब ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ऑनेस्टली मेरा आपको स्ट्रेट अवे पे काम है, मैं फर्स्ट वीडियो आपके खिलाफ बना रहा हूँ, आपके खिलाफ भी नहीं, सिर्फ अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसी हरकतें मत करो। मैंने आपको मिलकर भी यही कहा था कि यार मेरी बात सुनो, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको मुझसे कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस करो, ऐसे क्यों, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हो आप, जो भी आप करते हो, लोगों को कोर्स बेचते हो, मुझे तो किसी चीज़ का पता भी नहीं है कि वो स्पॉटिफाई है या शॉपिफाई है, और तुझे की सिखाते हो, आई डोंट नो, और मुझे सीखना भी नहीं है ना, मुझे सिखाना है आगे, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है, अपने काम से काम रखो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर रहे, तो एटलीस्ट मैं लोगों से पैसे लेकर उनको ठगता नहीं हूँ, 50,000 के कोर्स मैं नहीं सेल करता। ऑडी e-tron आपके पास है, अल्लाह पाक ने आपको पैसे दिए हैं, अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत दी हुई है, उसको हंडाओ, उसको वरतो, मेरे पीछे ना लगो। अगर मैं पीछे लगा ना आपके, फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो मैंने कभी किसी फैमिली मेंबर को कहा ही नहीं, तो उन्होंने खुद ही आपको पकड़ लिया, ठीक है। जब ये वीडियो देखेंगे तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा, ठीक है। मुझसे पंगे ना लो, अपने काम पे ध्यान दो और मुझे मेरे काम पे ध्यान देने दो, मेहरबानी।